खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आज सपा ने मोर्चा खोला। आजम को बचाने वाला प्रदर्शन, अब्दुल्ला को छुड़ाने वाला प्रदर्शन, किताब चोर आजम के समर्थन में सपा, भू माफिया आजम के समर्थन में समाजवादी, अश्लील आजम के समर्थन में सपा, सोनभद्र नरसंहार पर 3 दिन तक चुप्पी मारकर बैठने वाली समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई, क्योंकि उसके चहेते नेता आजम खान पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। कहते हैं आजम खान किताब चोर हैं, कहते हैं आजम खान फर्नीचर चोर हैं, कहते हैं आजम खान जमीन खोर हैं, और इन्हीं आरोपों को साजिश बताते हुए समाजवादियों ने आसमान सिर पर उठा लिया है। इनको देखिए, इनका नाम सुनील सिंह साजन है, सपा के एमएलसी हैं। चुनाव के बाद आम जनता के दर्द पर सड़कों पर बैठे नहीं पाए गए, लेकिन आज आजम के लिए यूपी की नई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दरवाजे पर हंगामा कर रहे हैं। योगी सरकार में गुंडा राज है, समाजवादी पार्टी के विधायक, रामपुर के विधायक अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये आखिर कौन सा अंधा कानून है? इसी अंधे कानून के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी है। ये धरना, ये हंगामा आजम के बेटे अब्दुल्ला पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ है। इनको भी पहचानिए, इनकी पहचान के लिए आपको बता रहे हैं, इनका नाम नरेश उत्तम पटेल है। ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिल्ली से प्रियंका गांधी जब सोनभद्र की सीमा पर पहुंच गईं, उसके बाद इनके मन में नरसंहार के लिए हमदर्दी जागी थी, लेकिन आजम के बेटे अब्दुल्ला के लिए वो प्रोएक्टिव हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे लगा करके अपमानित किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, और सरकार पूरी तरीके से बदले की भावना से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रही है। जिन आजम पुत्र अब्दुल्ला के लिए समाजवादी लखनऊ की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, उन आदरणीय अब्दुल्ला जी ने किताबें चोरी करने के आरोपी आजम के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने की कोशिश की थी, लिहाजा पुलिस ने धर लिया। और इन पर एक FIR इसलिए भी हुई है क्योंकि इन्होंने फर्जी उम्र बताकर फर्जी तरीके से पासपोर्ट हासिल किया। बस में भरे सफाई, सड़क पर लौटते सफाइयों को बहुत दिन बाद जनता की याद आती तो ठीक था, लेकिन ये प्रदर्शन प्राइवेट है, अपने नेता, अपने सांसद और अपने सांसद पुत्र को बचाने के लिए सपा सड़कों पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर तमंचे के साथ फोटो वायरल करना फैशन बनता जा रहा है। कई युवक इस शौक के चलते जेल भी जा चुके हैं। प्रतापगढ़ के बासुपुर गांव